हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव पुनिक जैन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी रेलिवेंट है। एमसीए की वेबसाइट पर न्यू फॉर्म्स आ चुके हैं कंपनी कंप्लाइंसेस से रिलेटेड। तो अब जितने भी कंप्लाइंस रिलेटेड फॉर्म्स हैं वो सब आप एमसीए की साइट पर फाइल करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, IN-C 22 एक फॉर्म होता है। जब आपको अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना होता है तो आप ये फॉर्म यूज करते हैं, या फिर अगर आपने न्यू इनकॉर्पोरेशन किया है और आपने एड्रेस उस टाइम पर नहीं दिया था तो आपको एड्रेस अपडेट कराना होता है, उसके लिए भी एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट होती है। IN-C 22 बिल्कुल आसान फॉर्म है, इजी फॉर्म है। इसमें आपको फाइल करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। दूसरा, किसी भी एक डायरेक्टर का डिजिटल सिग्नेचर अगर आपके पास है तो आप इसको खुद से कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रोफेशनल हेल्प की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। वीडियो शॉर्ट में रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको गूगल पर टाइप करना है MCA, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी के थ्रू आपको फाइल करना है, किसी भी फेक वेबसाइट के थ्रू नहीं जाना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है साइन इन पर। देखिए ध्यान से, कर्सर यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद अगर आपके पास यूजर आईडी नहीं है तो आपको रजिस्टर करना है एज ए बिजनेस यूजर। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रजिस्टर यूजर का, इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है चैनल पर। तो जब आप रजिस्टर करेंगे तो बिजनेस यूजर रजिस्टर कर लीजिएगा। तो जो ईमेल आईडी है वही आपकी लॉगिन आईडी बनेगी, और जो पासवर्ड है वो आपको ईमेल पर शेयर किया जाएगा, बट वो एक टाइम पीरियड के बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो आप नया बना लीजिएगा। ये प्रोसेस बिल्कुल सेम है। अब मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन के बाद आपको डायरेक्ट लेकर चलता हूँ फॉर्म पे। 2 मिनट से ज्यादा का इसमें प्रोसेस नहीं लगने वाला है, और ये जैसे ही आप अपलोड करेंगे पेमेंट होगी। इसमें पेमेंट जो है वो आपकी ऑथराइज कैपिटल के बेस पर होगी, मिनिमम एक फीस लगती है। उसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो आपका जो एड्रेस है वो लाइव टाइम में एमसीए के पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा, और आप उसको खुद से चेक भी कर पाएंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपके सामने विंडोज टाइप की होगी। ध्यान दीजिएगा, एमसीए के न्यू पोर्टल का मतलब है V3 वर्जन। जो पोर्टल है वो एमसीए की वेबसाइट पहले भी आई थी, www.mca.gov.in, बट ये वर्जन 3 है, तो न्यू वर्जन पे अवेलेबल होगा। कंपनी फाइलिंग में आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा, जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो यहां पर एमसीए सर्विस में कंपनी फाइलिंग के अंडर में आपको यहां पर काफी सारे अलग अलग अदर अदर फॉर्म्स यहां पर दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसी में से ही हमें फॉर्म सेलेक्ट करने हैं। सारे फॉर्म्स यहां पर अवेलेबल हैं, मैं लाइन बाय लाइन सबकी वीडियो प्रोवाइड करूंगा। आज हम बात कर रहे हैं चेंज सर्विस की। तो चेंज सर्विस में आपको एक फॉर्म मिलेगा, यहां पर IN-C 22 नोटिस ऑफ सिचुएशन ऑफ ऑफिस ऑफ द कंपनी, यह है IN-C 22। फिर ध्यान से देख लीजिए, मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूं। एमसीए सर्विस में, कंपनी फाइलिंग में, चेंज सर्विस में, IN-C 22, ये सारे के सारे फॉर्म यहां पर माइग्रेट होकर आ गए हैं। अब पीडीएफ फॉर्म अपलोड नहीं होगा, यहीं से ही हमें फॉर्म भरना है, उसके बाद पीडीएफ जनरेट करनी है, डिजिटल सिग्नेचर लगाकर उसको अपलोड करना है। अब मैं यहां पर सीन नंबर लिख दूंगा। सीन नंबर लिखने के बाद आपका जो है यहां पर नेम आ जाएगा कंपनी का, और पुराना एड्रेस आ जाएगा। आपको चेंज करना है एड्रेस, जो भी आपका चेंज है एड्रेस उसके लिए अलग अलग 5 पॉइंट्स प्रोवाइड किए गए हैं, वो मैं पॉइंट्स यहां पर अभी आपको दिखाऊंगा। कुछ केस में जो है पहले फॉर्म फाइल करके MGT 14 आपको स्पेशल रेजुलेशन पास करके उसकी परमिशन लेनी होगी, वो भी जो फॉर्म है वो अप्रूवल बेस्ड फॉर्म है। तो मैं अलग अलग प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि कब किसकी रिक्वायरमेंट आपको यहां पर पड़ने वाली है। सबसे पहले मैं यहां पर सिन नंबर कॉपी कर लेता हूं, तभी ये फॉर्म आगे एक्टिव होगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर अलग अलग जो है पॉइंट्स आपको यहां पर दिखाई देंगे। तो 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स के अंडर में 2 सब पॉइंट है। पहला पॉइंट जो है वो तो वेरिफिकेशन का है, तो सेम हो गया कि जब आप नई कंपनी बना रहे हैं तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर आपने एड्रेस नहीं दिया, अब आप एड्रेस देकर उसको रजिस्टर करा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एड्रेस पर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है। ये ध्यान रखिएगा, नए इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में जब आपने एड्रेस अपडेट करना है तो उसकी टाइम लिमिट जो है वो 15 डेज है। बाकी जब अदर चेंजेस होंगे तो अगर आपने 15 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर नहीं किया तो मल्टीपल्स होकर जो है वो लेट फीस भी यहां पर आएगी। जो चालान है उसकी वैल्यू आपकी इंक्रीज होती जाएगी, वो ऑथराइज कैपिटल के बेस पर ही होगा। अब यहां पर देखिए, दो फॉर्म, ये 2 पॉइंट सेम है, फिर बीच वाला एक अलग पॉइंट है, फिर उसके अलावा सेपरेट पॉइंट है। तो पहले क्या है, चेंज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ सिटी, टाउन और विलेज। फिर है चेंज आउटसाइड, यहां विद इन है, यहां आउटसाइड है। तो जहां पर जो स्टेट है वो सेम आ रहा है, बट जो लोकल सिटी, टाउन या विलेज के अंडर में आप कर रहे हैं तो ये दूसरे वाला पॉइंट लेना है, नहीं तो फिर तीसरे वाला पॉइंट लेना है। आप चेंज कर रहे हैं ROC में विद इन द सेम स्टेट, कुछ
कुछ पर्टिकुलर स्टेट ऐसे हैं जहां पर एक से ज्यादा आरओसी अवेलेबल है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, तो उस केस में ये वाला ऑप्शन लेना है। नीचे वाला ऑप्शन कब लेना है, जब आप चेंज कर रहे हैं स्टेट में विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग आरओसी। जैसे अगर हम बात करें तो दिल्ली और हरियाणा के लिए सेम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वर्क करते हैं, तो अगर आपको एड्रेस दिल्ली और हरियाणा के बीच में चेंज करना है तो आपको ये वाला ऑप्शन लेना है कि आरओसी तो उनके सेम है बट स्टेट दोनों अलग अलग है। मैंने केवल एक एग्जाम्पल दिया है, इस टाइप से कुछ स्टेट्स का कॉम्बिनेशन ऐसा है वहां पर सिंगल आरओसी के अंडर में दो स्टेट है, तीन स्टेट है, और कुछ केस में क्या है कि एक ही स्टेट में दो अलग अलग आरओसी है। दूसरा क्या पॉइंट आ रहा है, चेंज इन स्टेट आउटसाइड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग आरओसी, तो इसमें स्टेट भी चेंज हो रहा है और आरओसी भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप दिल्ली से चेंज करके यूपी में एड्रेस लेके जा रहे हैं तो फिर ये वाला ऑप्शन आपको लेना है। तो अलग अलग ऑप्शन का अलग अलग पर्पज है। पुराने फॉर्म में 5 पॉइंट्स थे, इन्होंने अलग अलग पॉइंट्स इनको कन्वर्ट करके बना दिया अभी यहां पर क्लैरिटी के साथ। तो अब जब आप ये वाला पहले वाला ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो देखिए फॉर्म में चेंज आता है ऑटोमेटिकली, जो MGT 14 का है वो यहां पर हट गया है। जब मैं दूसरा ऑप्शन लेता हूं तब भी यहां पर चेंज आता है कि यहां पर आपको MGT 14 इससे पहले फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, क्या आपने फाइल किया है, यस और नो, फाइल करके आपको उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब तीसरा ऑप्शन आता है तो उसमें क्या है, INC 28 फाइल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं फोर्थ ऑप्शन ले रहा हूं, उसके लिए भी ये मैंडेटरी फॉर्म आ जाएगा, और ये लास्ट वाला ऑप्शन है। तो ये दो जो नीचे वाले तीन ऑप्शन आ रहे हैं इसमें आपको MGT 14 और 28 दो फॉर्म इससे प्रीवियस फाइल करने पड़ेंगे। इसके लिए रिजोल्यूशन और इसके प्रोविजन आपको जब मैं फॉर्म 14 और INC 28 बताऊंगा तब वीडियो में जाकर चेक करने पड़ेंगे। उसके लिए क्या होता है कि पहले प्रायर अप्रूवल लेनी होती है और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी एक्स्ट्रा आपके लगते हैं, जहां पर एक आरओसी से दूसरे आरओसी में जुडिशन चेंज होता है, तो वो इजी केस नहीं होता, उसके लिए परमिशन की भी रिक्वायरमेंट आती है। नॉन लाइबिलिटी का क्लोज आपको पब्लिश कराना होता है लोकल न्यूज़पेपर में, उसके लिए एक पर्टिकुलर लिस्ट है कि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग चेंज के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो अभी मैं यहां पर बात करूंगा लोकल लिमिट्स के अंडर में जब आपको चेंज करना है तो कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। यहां पर आप डेट लिखेंगे किस डेट से आपको चेंज करना है, एड्रेस यहां पर सेलेक्ट करेंगे, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आपको गूगल से मिल जाएगा जो भी आपका करंट वाला एड्रेस है, यहां पर करंट एड्रेस लिखना है जो कि चेंज करके आपको लेके आना है। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ, तो यहां पर लोकल लिमिट्स में चेंज हो रहा होगा तो वहां पर क्या है, तीन डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। एक तो प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस जैसे कि लीज डीड, रेंट एग्रीमेंट, या दूसरे पॉइंट पर आएगा कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, और थर्ड पे फोटोग्राफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस शोइंग एक्सटर्नल बिल्डिंग एंड इनसाइड ऑफिस ऑल्सो शोइंग देर इन एटलीस्ट वन डायरेक्टर या ओब्लिक KMP हु हैज अफिक्स्ड हिज और हर डिजिटल सिग्नेचर टू दिस फॉर्म। तो ये तीन डॉक्यूमेंट यहां पर अटैच होंगे। यहां पर डिक्लेरेशन में जो भी डायरेक्टर, किसी भी डायरेक्टर को आप ले सकते हैं, उनका नाम आएगा। फिर यहां पर रिजोल्यूशन नंबर कि किस बोर्ड रिजोल्यूशन के थ्रू वो ऑथराइज्ड है ये एक्टिविटी करने के लिए, उसके बाद ये दोनों ऑप्शन यहां पर टिक कर देने हैं ये वाले। ठीक है, और ये नीचे वाला ऑप्शन यहां पर कुछ नहीं करना है, इसको सेलेक्ट नहीं करना है। फिर उसके बाद यहां पर डेजिग्नेशन जो भी डायरेक्टर मैनेजर वो लिखना है, डिन नंबर लिखना है, नेक्स्ट कर देना है। फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा, SRN जनरेट होगा, वो PDF डाउनलोड कर लेनी है, उसमें डिजिटल सिग्नेचर लगाकर अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। बिल्कुल सिंपल सा आसान सा प्रोसेस है। यहां पर मैंने आपको पूरा A to Z सारा रजिस्ट्रेशन से लेके पोर्टल पर किस तरह से कहां पर फॉर्म मिलेगा पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। जल्दी ही सारी वीडियो चैनल पर अवेलेबल होंगे। अलग अलग फॉर्म के लिए अलग अलग पर्पज होता है, वो पर्पज आपको रूल्स में चेक करना पड़ेगा MCA के, या फिर जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो जो डिस्क्रिप्शन होगा वहां पर भी आपको मिल जाएगा। ये जो फॉर्म INC 22 है ये है नोटिस ऑफ सिचुएशन और चेंज ऑफ द सिचुएशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, उसके लिए ये फॉर्म यूज किया जाता है। इसी टाइप के काफी सारे वीडियो चैनल पर अवेलेबल हैं, आप एक बार वीडियो देख सकते हैं। इनकम टैक्स, GST और कंपनी से रिलेटेड काफी सारे वीडियोज मैंने यहां पर अपलोड किए हुए हैं जिससे आपको बेसिक नॉलेज मिलेगी मिलेगी। उसके अलावा फाइलिंग प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन पार्ट को भी यहां पर कवर किया गया है। एक बार वीडियो जरूर देखें, 100% आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है।